चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, वो है एलआर सर्किट्स। आप लोगों को याद होगा कैपेसिटर्स चैप्टर में हमने आरसी सर्किट्स किए थे, याद है? है ना? हाँ, आरसी सर्किट्स की हमने इक्वेशंस भी डिराइव की थी, चार्ज की इक्वेशन, वोल्टेज की इक्वेशन, करंट की इक्वेशन, सब इक्वेशंस उसकी डिराइव की थी। कितनी देर में कितना चार्ज जो है कैपेसिटर में आएगा, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, राइट करंट, बिल्कुल वही है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई रेस टू पार टी बाय माइनस टी बाय आर सी। यस, ठीक है। तो ये इक्वेशन थी, जैसे चार्ज वगैरह की, वोल्टेज की थी, ऐसी करंट की थी। तो वो थे आरसी सर्किट्स जिनमें चार्ज जो है वो धीरे धीरे कैपेसिटर पे, मतलब कैपेसिटर जो है वो धीरे धीरे चार्ज होता है। एंड इसके हमने फिर कुछ स्पेशल केसेस भी किए थे कि जो कैपेसिटर है वो जीरो टाइम पे कैसे बिहेव करेगा एंड इनफिनिट टाइम बाद कैसे बिहेव करेगा। जीरो टाइम पे कैसे बिहेव करता है वो, मतलब इनिशियल टी इज इक्वल टू जीरो पे ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट, टाइम इज इक्वल टू जीरो पे, चार्जिंग के टाइम पे शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट। यस, इट इज शॉर्ट सर्किट। सुमित कुमार, शॉर्ट सर्किट होता है। एंड टाइम इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी टाइम निकल जाएगा, मतलब कहने का कि वो फुली चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाता है उस टाइम पे इट बिहेव्स एज ओपन सर्किट। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो ये चीजें हमने आरसी सर्किट में की थी, ऐसे ही हम आज एलआर सर्किट्स करेंगे, ठीक है, जिनमें रेजिस्टेंस के साथ एक इंडक्टर लगा होगा, उसमें रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटेंस लगी हुई थी, ठीक है जी। तो इसमें भी वैसे ही हम करेंगे करंट का राइज एंड फॉल, मतलब राइज एंड डिके, तो दोनों चीजें ये हम आज करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फोटो बना लेते हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस है मान लो R, ये इंडक्टर है L, यहां पे हमने बैटरी लगा दी, V नॉट मान लो यहां पे हमने की लगा दी, ये एक रेजिस्टर है R, ठीक है जी। तो पहले केस में हम क्या करेंगे, जब हमें राइज ऑफ करंट देखना है तो हम कौन कौन सी की को ज्वाइन करेंगे, मान लो वन, दिस इज की वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, तो वन और टू को ज्वाइन करेंगे जब हमने राइज ऑफ करंट देखना है, मतलब दिस इज इनिशियली इट, देयर इज नो करंट इन द सर्किट, सब कुछ ओपन है, ठीक है, कोई करंट नहीं है। तो जैसे ही वन और टू को कनेक्ट करेंगे तो क्या होना शुरू होगा, वन और टू वाला जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, बैटरी में से करंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा और ये जो लेफ्ट वाला सर्किट है उसमें करंट दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा, राइट वाला इज आउट ऑफ सर्किट। तो उसमें करंट क्या एकदम से बढ़ जाएगा, क्या लेफ्ट वाले सर्किट में करंट एकदम से बढ़ जाएगा, हाँ कि ना? नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल इंक्रीज होगा करंट बट एकदम से नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा भाई एकदम से करंट, कौन है रोकने वाला उसको, कौन रोकेगा करंट? ऑपोजिट वेदर लगेगा। ऑपोजिट क्या कह रहे हैं सर, जो कल टॉपिक किए थे उसमें आया था कि ऑपोजिट भी एक वो लगता है उस पे करंट, ऑपोजिट में करंट लगता है दक्ष, तो कहना सर, मतलब सर अपोजिट, अपोजिट कौन, क्या, कौन, क्यों,
कौन करेगा? ऑपोजिट सर, करंट इंड्यूस नहीं हो जाएगा, इंड्यूस्ड होता है मैग्नेटिक की वजह से। किसमें होएगा? एल में, इंडक्टर में। किसमें होएगा? इंडक्टर में। इंडक्टर में एक ऑपोजिट करंट या ऑपोजिट ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। अरे आर का कुछ नहीं, आर ने अपोज नहीं करना, आर तो सीधा साधा बेचारा एक रेजिस्टेंस है, उसके कारण कुछ नहीं ऑपोजिट वो होगा, ऑपोजिट इंडक्शन होगी। इंडक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण हो रही है, जो अभी हमने अभी तक सारी कहानी हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, उस कहानी की वजह से एल में एक ऑपोजिट इंडक्शन, जिसको बैक ईएमएफ भी बोला जाता है, वो इंड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से करंट जो एकदम से बढ़ नहीं पाएगा, एकदम से मैक्सिमम पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगा, पहुंचेगा कुछ टाइम बाद। उसकी भी एक इक्वेशन बनेगी, वैसे ही एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बनती है, ठीक है जी। तो उसको कुछ सेकंड लग जाते हैं मैक्सिमम तक पहुंचने के लिए, राइट। अब वो हम डिराइव करते हैं कि वो कैसे हम निकालेंगे, कितने टाइम में क्या होगा, सब इन सब चीजों की बात करते हैं, ठीक है जी। तो पहले हम चार्जिंग करेंगे, मतलब राइज करेंगे, उसके बाद हम फॉल ऑफ, डिके ऑफ करंट करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा था सुमित कुमार? वो छोटे बहुत कम नहीं होता करंट इंड्यूस, उससे फिर क्या फर्क पड़ेगा? तो चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, फर्क तो पड़ता है, जितना एल की वैल्यू होगी उसके हिसाब से कम या ज्यादा हो जाएगा। बहुत कम एल लेंगे तो ज्यादा, बहुत कम फर्क पड़ेगा, ज्यादा एल लेंगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा, तो डिपेंड करता है एल पे, ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे हम ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ करंट या राइज ऑफ करंट इन दी एल आर सर्किट ठीक है जी। तो व्हेन द की वन टू इज क्लोज्ड, देन द करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, but the current does not increase instantly because of the back EMF induced in the inductor, ठीक है। Very easy concept, वही concept है जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है जी। हाँ, this is a right करण, जैसे वो वाला पहले JEE advance के लिए था, तो ऐसे ये भी, this is not for school, ये school के लिए नहीं है आपका, ठीक है। तो JEE mains and JEE advance specific है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो चाहे this is not for school NFS, ठीक है जी। तो उसको क्लोज करते हैं, उसकी इक्वेशन बनाएंगे, तो अरे कारण अभी तो मैंने इसको बोल दिया, तुम लोगों के दिमाग में चला गया, लेकिन कॉपी से जब रिवाइज करोगे 6 महीने बाद तो याद रहेंगी चीजें, है भाई? सीधा बोल के सीधा इक्वेशन लिखा दूं क्या? हाँ, अब बताओ, इधर करंट जो है इस तरह भागना शुरू हो जाएगा, आई करंट है, मान लो किसी इंस्टेंट पे जब आई करंट है तो यूं भाग रहा होगा करंट आई, ये भागा, ये भागा, इसको हमने कनेक्ट कर दिया था, ठीक है जी। अब इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस है वो कैसे हो जाएगी, इसमें प्लस माइनस कैसे होगा, ऊपर प्लस आएगा नीचे प्लस आएगा एल में? बिल्कुल सही बात,
ऊपर आएगा प्लस, क्या आएगा ऊपर प्लस आएगा, बिल्कुल सही बात है। करंट बढ़ रहा है, बढ़ने नहीं देना, जो हो रहा है उसको होने नहीं देना, जिद्दी बच्चा अपना क्या, तो ये ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में भेजने की कोशिश करेगा तो ऊपर प्लस आ जाएगा। इसमें हम लगाते हैं केवीएल, क्या लगाएंगे केवीएल लगाएंगे, तो जरा केवीएल लगाओ अपनी अपनी कॉपी में देख के लगाओ जरा, मैं नीचे कर रहा हूं इसको। हाँ जी, अप्लाइंग केवीएल, इन द लेफ्ट लूप एट एनी टाइम इंस्टेंट। हाँ जी, तो शुरू करते हैं प्लस वी नॉट, मान लो वहां से शुरू कर लेते हैं प्लस वी नॉट, उसके बाद माइनस आई आर प्लस आई आर, माइनस आई आर, माइनस आई आर, सही बात है माइनस आई आर, उसके बाद माइनस एल डी वन बाय डी आई अपॉन डी डी वन बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी, करेक्ट। ये बन जाएगी क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, अब इसको थोड़ा बहुत रीअरेंज कर लेंगे, करो जरा। यहां से मेरे पास आएगा एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट माइनस आई आर, तो इसको रीअरेंज कर लेंगे दोबारा, तो डी आई अपॉन वी नॉट माइनस आई आर इज इक्वल टू डी टी अपॉन एल। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं, यहां से आर कॉमन निकाल लेते हैं, आई को अकेला छोड़ लेते हैं, वैसे ही कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, हम आर कॉमन निकाल लेते हैं, ओहो क्या हो गया इसको, वी नॉट बाय आर माइनस आई, ठीक है वैसे ही लिख लेते हैं। तो डी आई अपॉन वी नॉट बाय आर माइनस आई इज इक्वल टू आर अपॉन एल डी टी। नाउ टोटल निकालना है हमें, तो इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई अपॉन वी नॉट बाय आर माइनस आई आर बाय एल इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, जीरो टू टी एंड टाइम हो गया एंड जीरो टू आई करंट हो गया। करो जरा इंटीग्रेट इसको, एक्सप्रेशन बता दो मुझे फाइनली, इंटीग्रेशन क्या होगी इसकी, वन अपॉन वी नॉट माइनस आर माइनस आई, राइट सुमित कुमार, करेक्ट। और ब्रैकेट में क्या आएगा उसके, सर ये एलएन के अंदर सारा आ जाएगा, नीचे माइनस वन आ जाएगा, बिल्कुल। तो इसकी इंटीग्रेशन होगी एलएन वी नॉट माइनस आर माइनस आई अपॉन माइनस वन, मतलब माइनस साथ में आ रहा है, लिमिट्स हैं उसकी From 0 to I is equal to R by L इधर आएगा और इसकी इंटीग्रेशन होगी T, ठीक है। अच्छा मैथ में इंटीग्रेशन ही चल रही है, ठीक है। निकल गया एक्सप्रेशन,
ln v naught by r minus I minus ln v naught by r. तो माइनस इसको अंदर ले लेंगे, यहां से मेरे पास क्या आएगा, log of v naught by r divided by log a minus log b is log a by b. log a by b. This is v naught by r divided by v naught by r minus I equal to e raised to power r by l into t. इसको रीअरेंज वगैरह करेंगे. आई होप आप लोगों को करने की को कराने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद कर लोगे इसको रीअरेंज. किस पे करूं, लॉग पे है अर्थात, लिख के देखें लॉग. हाँ आ गया. हाँ हाँ कर दूंगा दक्ष, ठीक है. इसको उल्टा कर लेते हैं, v नॉट बाय r माइनस i डिवाइडेड बाय v नॉट बाय r इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस r बाय l इनटू t. तो इसको फाइनली जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट विल बी आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर वन माइनस ई रेस्ट पर माइनस आर बाय एल इनटू टी. दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन. इसी को अलग अलग करके ऊपर वाली इक्वेशन को रीअरेंज कर लेना, ठीक है. तो आपको ये याद रखना है, एक्सप्रेशन याद कर लो इसको, ठीक है. नाउ टेल मी वन थिंग, इसमें दो केसेस करते हैं. डू यू नो व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट इन आरसी सर्किट, याद है फॉर्मूला टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट, आरसी राइट. एंड टाइम कांस्टेंट ऑफ एलआर सर्किट क्या होगा, टाइम कांस्टेंट ऑफ एलआर सर्किट आर बाय एल या एल बाय आर, आर बाय एल या एल बाय आर, इट विल बी एल बाय आर. आर बाय एल नहीं होगा, डायमेंशंस इसकी एल बाय आर की होंगी टाइम के बराबर, आर बाय एल की थोड़ी होंगी. आर बाय एल तो वन बाय टी होगा, है ना. तो इसमें चलो पॉइंट्स लिखते हैं. टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट इज एल बाय आर, इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. सेकेंड, सेकेंड आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट After one time constant, I कितना हो जाएगा बताओ जरा. I will be v naught by r one minus e raised to power minus one, right? R by l into l by r. तो ये कितना आएगा v naught, which is I naught. इसको मैं I naught लिख रहा हूँ. I naught one minus e raised to power minus one. और ये कितना होता है ब्रैकेट में, व्हाट इज दिस, 0. पॉइंट व्हाट इज 1 माइनस 1 बाय ई, 0.63 करेक्ट.
it is 0.6 के अराउंड हां ठीक है so that is after one time constant करंट जो है वो 63% ऑफ आई नॉट है एंड आई नॉट क्या है यहां पे मैक्सिमम करंट विच इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर वो मैक्सिमम करंट है ये याद रखना डायरेक्ट यूज होगा ये डायरेक्ट ये दोनों जो पॉइंट्स लिखवाए हैं दे विल बी यूज डायरेक्टली इन द क्वेश्चन दो पॉइंट्स और लिखवाऊंगा ये चारों पॉइंट्स आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली एज इट इज यूज होंगे As it is directly points use होंगे. Remember these points. L by R time constant है. Time constant निकालना पड़ सकता है बहुत सारे questions में. उसके बाद ये one time constant के बाद 63% हो जाएगा. Next point. At t is equal to zero. T is equal to zero पे करंट निकाल लो जरा कितना है I is equal to I naught 1 minus e raised to power minus 0 I naught आएगा zero आएगा yes correct it will be zero I is equal to zero तो अगर करंट zero है तो इंडक्टर is behaving as short circuit या open circuit करण गोयल करंट जीरो शॉर्ट सर्किट में होगा ओपन सर्किट में होगा अरे ओपन में सर्किट अरे शॉर्ट में जीरो थोड़ी होता है कहा करत रहे तुम लोग अरे शॉर्ट में तो करंट भागेगा रे इनफिनिट हो जाएगा मतलब अगर रेजिस्टेंस ना होगी शॉर्ट में कौन रोकने वाला करंट को कोई नहीं ओपन में होता है जीरो अरे हाँ ठीक है अर्दात अब शुरू मत हो जा ठीक है तो दैट इज एट टी इज इक्वल टू जीरो एल बिहेव्स एज ओपन सर्किट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि करंट जीरो है अब निकाल दो एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे आई कितना आएगा वन माइनस ई रेस्ट पर माइनस इंफिनिटी I नॉट आ गया बहुत ही बढ़िया I कितने बराबर आ गया I नॉट विच इज मैक्सिमम अरे मैक्सिमम कितना है I इज इक्वल टू I नॉट विच इज V नॉट बाय R अब यहां पे ये मैक्सिमम है करंट मतलब इंडक्टर की जो वैल्यू है इंडक्टर जो बिहेव कर रहा है वो कैसे बिहेव करेगा L behaves as बिल्कुल बहुत बढ़िया behaves as short circuit ये बात चमक रही है अरे को ये दिमाग में घुसनी चाहिए बात कि short क्यों आया open क्यों आया ठीक है behaves as short circuit और ये दोनों चीजें मतलब इनफैक्ट ये चारों चीजें जो हमने अभी लिखी they are very useful for your numericals as it is directly used हो जाएंगी ये चीजें ऊपर जो फॉर्मूला है और ये सारे रिजल्ट्स ठीक है जी आई होप ये बात बिल्कुल दिमाग में घुस गई होगी बिल्कुल अच्छे से अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो ठीक है अब हम करते हैं डीके decay of current in LR circuit
अब जो हमने ऊपर सर्किट बनाया था याद है ये वाला, अब जब डिके कराना है हमें कौन कौन सी कीज को जोड़ना पड़ेगा? एलआर सर्किट बनाना है सिर्फ, कौन कौन सी कीज को जोड़ेंगे? 1 and 3, यस करेक्ट, हम जोड़ेंगे 1 and 3 को, ठीक है? तो 1 and 3 को जब जोड़ेंगे, देखो ये हाथ दिख रहा है तुम लोगों को, ये करंट नीचे की तरफ भाग रहा है, ये भाग रहा है, जब मैक्सिमम पहुंच चुका होगा तो ये करंट कितना होगा? आई नॉट होगा, हाँ के ना? मैक्सिमम पे ये आई नॉट होगा कि नहीं? ठीक है, हो गया जी। अब मुझे क्या करना है, मैं इधर से की उठा के इधर डाल दूंगा, क्या करूंगा, इधर से की उठा के इधर डाल दूंगा, क्या करंट एकदम से जीरो हो जाएगा एकदम से बुक, क्योंकि बैटरी तो गई? अरे बैटरी नहीं है तो करंट तो जीरो हो जाएगा, अरे हाँ के ना? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, करेक्ट, करंट एकदम से जीरो नहीं होगा। कौन अपोज करेगा, कौन रोकने वाला उसको? ईएमएफ, इंडक्टर है ना खुद, जो होता है नहीं होने देता तो उसको रोक देगा, ठीक है? तो हम इसकी फोटो जो है वो नीचे बना लेते हैं, तो ऊपरी बना लेते हैं, चलो उसी में कर लो तुम लोग डायग्राम में, इसी में लिख लो। अब करंट ऐसे जा रहा होगा इसमें, अब इसको हमने जोड़ दिया, इसको लाल हरे रंग से बनाते हैं, इसको ऐसे जोड़ दिया तो इधर करंट आएगा, मतलब इधर से ऐसे जा रहा होगा करंट ऊपर की तरफ, ठीक है? तो इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव, ठीक है? चलो अब मैं लगाऊंगा इक्वेशन इन दी राइट लूप, राइट वाले लूप में इक्वेशन लगा देते हैं। तो ये फोटो जरा कंप्लीट करो, उसके बाद इक्वेशन लगाते हैं। बना ली फोटो में ये प्लस माइनस वगैरह, है ना? बना लिए, इधर जा रहा है करंट आई, चलो अब इसमें लिख लेते हैं, when the keys 1 and 3 are connected, या are closed, then the current starts decaying या decreasing, but does not becomes but does not become zero instantly due to inductor. ठीक है, तो अरे वही करंट, वही डायरेक्शन है करंट जो पहले थी, सेम है, ठीक है? हमने नहीं की कुछ, हमने किया ही नहीं कुछ, वो तो खुद पहले उसी तरफ भाग रहा था वो। चलो तो इसमें हम केवीएल लगाएंगे, अप्लाइंग केवीएल इन सेकंड लूप या राइट वाला लूप, है ना? तो लगा दो जरा केवीएल, एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर इज इक्वल टू जीरो, इसको रीअरेंज कर देंगे, डी आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल डी टी, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई आई जीरो टू टी एंड करंट, अब जीरो टाइम पे देखो मैक्सिमम है, जैसे ही मैंने वो वाला स्विच क्लोज किया था तो मैक्सिमम था, जीरो टाइम पे आई नॉट था, कुछ टाइम बाद आई हो जाएगा करंट, तो इसलिए यहाँ पे लिमिट जो जाएंगे वो आई नॉट से आई जाएंगे, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगी एल एन आई फ्रॉम आई नॉट टू आई is equal to minus R by L T. That becomes
natural log I upon I naught is equal to minus R by L into T. And that would become I is equal to I naught e raised to power minus R by L into T. So this is the decay equation. Equation of decay of current. इसमें टाइम जीरो पे एट टी इज इक्वल टू जीरो करंट कितना होगा आई नॉट करेक्ट I naught into e raised to power minus R by L into zero, मतलब zero. That means I is equal to I naught. Maximum current है, obviously. वहीं से तो शुरू किया हमने, limits में ही डाला भाई, I naught से जाना I तक, तो zero पे तो I naught ये पता ही है, common sense. At t is equal to infinity, I is equal to I naught कितना होएगा? E raised to power minus infinity. That becomes zero. Correct. तो इनफिनिट टाइम बाद करंट जो है वो जीरो हो जाएगा. एक्सपोनेंशियल डिके, एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगी आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट. आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रिस्टोर माइनस आर बाय एल इनटू एल बाय आर. टाइम कांस्टेंट इज एल बाय आर, दैट इज I naught e raised to power minus 1. And what is 1 by e? What is 1 by e? 0.37, correct. 0.37 I naught. That means I naught is 37% of I naught. So, ek time constant baad 37% reh jayega current. बिल्कुल सिंपल चीजें हैं. तो अगर इनके हम ग्राफ्स बनाएंगे, ये ग्रोथ का ग्राफ है, ये डीके का ग्राफ है. This is I. This is time. Yellow note kar lo. Chalo graph batao mujhe, growth ka graph kaisa banega? Zero pe current kya tha? Zero. है ना. और इन्फिनिटी पे करंट क्या था? टाइम इन्फिनिटी पे मैक्सिमम आई नॉट के बराबर था, राइट. तो मान लो मैक्सिमम करंट यहां पे है, दिस इज आई नॉट, ठीक है. तो अब ग्राफ जीरो से शुरू होके आई नॉट तक जाएगा. तो एसिम्प्टोट बनेगा इसका, मतलब इट विल नॉट मीट, इट विल मीट एट इंफिनिटी. तो ये ग्राफ है ग्रोथ का. और एक टाइम कांस्टेंट बाद इसकी वैल्यू कितनी हो रही थी? 63%. दिस इज 63%. कितने टाइम बाद? टाइम कितने बाद? एक टाइम कांस्टेंट विच इज एल बाय आर बाद. क्या ये चीज बिल्कुल क्लियर हो रही है? और इसका डिके का ग्राफ कैसा बनेगा? किधर आएगा ग्राफ का मुंह? कटोरी ऊपर की तरफ. मैक्सिमम से नीचे, यस. तो ये ऐसे जाएगा. It will meet
टाइम एक्सिस एट इनफिनाइट टाइम एंड 37% हो रहा है ये कितनी देर बाद, टाइम इज इक्वल टू एल बाय आर बाद 37% टाइम कांस्टेंट. तो इज इट वेरी क्लियर, इज एवरीथिंग वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया सबको? चमका ठीक है जी, गुड है. फिर इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस पे. ये रहने दो, अभी बाद में देखिए. सारे आंसर्स इकट्ठे
सुमित टी जीरो वाले आंसर सही है। हरदाद ये कौन से आंसर हैं, जीरो वाले इन्फिनिटी वाले? करण हमारा आई टू की वैल्यू गलत है। अर्थात आई वन करेक्ट, आई टू आई थ्री करेक्ट, बट तुमने क्या किया है टी जीरो एंड टी इंफिनिटी उल्टा कर दिया है। प्राची जीरो पे हाउ डज द इंडक्टर बिहेव? क्वेश्चन कहाँ गया? अरे क्वेश्चन गायब हो गया। गायब हो गया, सही बात है। ओ रुको, तो बंद करके चलाना पड़ेगा। तुम लोग सॉल्व कर लो अपना अपना ना, अभी मैं सॉल्व कर देता हूँ अपना, मैच कर लेना इधर। मतलब इनिशियली रुको, एक एक जस्ट इसको भी हटाते हैं यहाँ से, because initially all the currents are zero का मतलब है कि जब switch open था, जैसे ही close किया उसको time zero मानना है हमने, जैसे ही switch को close किया उस time पे, उस time को हम zero मानेंगे। अरे यार वैल्यूज बतानी है, डोंट सेंड मी दी रिलेशंस, कौन बड़ा है कौन छोटा उससे फर्क नहीं पड़ता भाई, मेरे को वैल्यू बताओ। सर हमने ये मिटा क्यों दिए, ये डेटा रिक्वायर्ड नहीं है। अर्षित का करेक्ट आंसर, हरदात तुमने जो आंसर भेजा है उसमें हाँ ठीक है उल्टा ही है बस। चलो लेट्स सी इसमें क्या करना है। देखो दोनों केसेस को सॉल्व करेंगे अलग अलग से, तो पहले हम देखेंगे कि इन्फिनिट जीरो पे क्या होगा, फिर देखेंगे इन्फिनिटी पे क्या होगा। तो फर्स्ट केस इज जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो क्या होने वाला है, तो एट टी इज इक्वल टू जीरो हमें पता है कि इंडक्टर कैसे बिहेव करता है टी इज इक्वल टू जीरो पे। हाउ डज इंडक्टर बिहेव, शॉर्ट या ओपन? शॉर्ट, टी इज इक्वल टू जीरो पे। सर करंट जीरो होएगा ओपन होएगा। प्राची हाँ जी सर ठीक है,
तो ये क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे ओपन सर्किट होएगा। तो ओपन अगर सर्किट है तो मतलब सर्किट बनाते हैं इसका, कैसा होगा, इधर होएगा r, इधर होएगा r, यहाँ पे ओपन है और इधर है एक r, which is obviously now out of the circuit, ठीक है, और यहाँ पे बैटरी है e, ये है r, ये r, तो इसमें एक करंट फ्लो करेगा, यहां से इधर से करंट जाएगा, यहां से करंट जाएगा, इधर से वापस आ जाएगा, आगे वाली ब्रांच में करंट ही नहीं जाएगा, तो I3 is definitely zero, right? इधर I3 जो था वो जीरो हो गया, एंड I1 एंड I2 they have to be same, ठीक है, I1 एंड I2 दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, और कितने होंगे, E by 2R, करेक्ट, सिर्फ मैंने ये लिखा था, बोलते गलत है तो भी मैंने शॉर्ट कर दिया। प्राची मेरे ख्याल तुम्हारा तो मैंने बोला ही नहीं कुछ गलत है या सही है, नहीं सर आपने बोला था, तुमने लेट कब भेजा था, देख लेते हैं, चलो बाद में कोई, अरे नहीं मैंने दो भेजे हैं, एक मैंने टू, अच्छा अब बताओ इन्फिनिटी पे बताओ क्या होगा, L. सर इन्फिनिटी पे जो वो कांस्टेंट हो जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, शॉर्ट शॉर्ट इन्फिनिटी पे शॉर्ट, काम खत्म, दिस इज आर, ये है बैटरी E, ये अभी आ रहा है, इधर से करंट जा रहा है I1, इधर से जा रहा है I2, इधर से जा रहा है I3, तो क्या I1 नहीं, क्या I2 और I3 बराबर होंगे, yes sir, obviously बराबर होंगे, इसकी net resistance कितनी हो जाएगी सर्किट की, E by 3R, हाँ, ये R by 2 हो गया, R by 2 और R दोनों सीरीज में है, तो that is 3 by 2R, तुमने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, 3 E by 2R, R total is 3 by 2R, तो I1 जो होगा that will be E upon R total which is 3R by 2, that is 2E by 3R, और I2 and I3 बराबर होने चाहिए क्योंकि दोनों resistance बराबर है, तो आधा आधा बढ़ जाएगा, I2 and I3 दोनों half half हो जाएंगे I1 से, which will be E upon 2R, equal currents, 3E by 2R नहीं होगा, क्या 3E by 2R नहीं होगा, क्यों मल्टीप्लाई कर रही है, क्या कैसे हो जाएगा, R टोटल नीचे लेके आना, R टोटल 2 ऊपर जाता होता है, 3 नहीं, हाँ हाँ एक सेकंड, क्या हो गया ये अगला भी, हाँ जी हाँ जी ठीक है, हाँ मैं भी रहती हूँ चलो तो ठीक है, चमक गया रेको, क्लियर, कोई डाउट, एनीवन, ठीक है जी, चलो दैट्स इट फॉर टुडे, bye bye sir, okay bye, homework I'll send on the group, okay bye bye.